जय श्री राम। हम अंधभक्त लोग आज बहुत ज्यादा खुश हैं। अरे पूछो मत, इतना खुश है। देखा हमारे मोदी जी ने, शेर आया संसद में। क्या दहाड़ा है। ये विपक्षी लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आ क्यों नहीं रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, कब आएंगे, ये सब कह रहे थे। देखो फाइनली अपना शेर आया। भाई टाइम लगता है शेर की खाल वाल पहनने में, थोड़ा चीजें शेर बनने में। हाँ तो देखो थोड़ा टाइम लगा, तो शेर बन के आया है एकदम दहाड़ा। देखो आज दुनिया भर की जो 2 सवा 2 घंटे तक जो भाषण दिया, कैसा सब अपोजिशन एकदम हवा हो गया। ये जो भाषण इतना लंबा, ये लंबा लंबा छोड़ना, ये कोई आसान काम है? ये हमारे मोदी जी कर सकते हैं। इधर की उधर, उधर की उधर, मतलब कि एक बात नहीं की। देखा पूरा जो है अपोजिशन वहां बैठ के सोता रहा, सुन रहा था कि शायद अब मणिपुर की बात होगी, अब बात होगी, अब कोई मतलब की बात होगी, अब मतलब की बात होगी। मारे इसे उभार रहा था। सोने के लिए मजबूर कर दिया हमारे मोदी जी ने। कितने लोग तो पार्लियामेंट में सो गए। ये होता है शेर। जब शेर आता है ना, अच्छों अच्छों को सुला देता है। क्या जो गुरु ये देखा, और उन्हीं के जो है जो कोई मतलब की बात तो करनी नहीं थी 2 सवा 2 घंटे तक। है भाई साहब, इतनी बड़ी तो पिक्चर होती है थिएटर में। लोग 500 500 रुपया खर्चा करके जाते हैं थिएटर में पिक्चर देखने, पॉपकॉर्न और ये 1000 रुपया खर्चा होता है यही 2 सवा 2 घंटे के लिए। लेकिन हमारे मोदी जी ने 2 सवा 2 घंटे एकदम सबका फ्री मनोरंजन किया बिना एक पैसे के। है ना, बोलते रहे कि ये जो ये है इनका जो लड़का है, और ये जो नेता है लॉन्च है, और हमने ये कर दिया, और जल से नल और फलाना ढाना है। ये लोग सोचते रहे अब बात होगी, अब बात होगी, कोई मुद्दे की बात ही नहीं हुई। और शेर अपना जो है आया गया ठोक ठाक करके गुरु निकल गया। अब सब देखो हम अंधभक्त लोग जितने हैं, सब लोग जो है अपना सोशल मीडिया में सब डाल रहे हैं कि देखो शेर आया है और दहाड़ रहा है, देखना 24 में फिर शेर आएगा। हमारे शेर को और किसी चीज से मतलब भी नहीं है। तुम लोग चिल्लाते रहो मणिपुर मणिपुर, मतलब था उनको? नहीं, हमारा शेर जो है उसकी जो है नजर है ना, वो शेर की नजर जो है अपने काम धंधे पे रहती है। तो शेर की नजर 24 पे है। हाँ 24 में देखना सब ऐसे ही, जैसे आप 2 2.5 घंटा लंबा लंबा ये छोड़ा, और पहले वहां पे ये नहीं था, फिर हमने ये बनवा दिया, और फिर हमने ये कर दिया, यहाँ पे ये एयरपोर्ट बनवा दिए, वहां पे ये कॉलेज बनवा दिया, वहां पे स्कूल बनवा दिया, और हम ही हैं जो विकास कर सकते हैं, ये लोग विकास के जो है विरोधी हैं, और ये भ्रष्टाचारी और ये परिवारवादी, ये सब लंबा लंबा छोड़ा है बस काहे के लिए, ताकि पब्लिक के दिमाग में फिर एक बार ऐसा स्क्रू टाइट कर देना, पब्लिक भड़बड़ा के कंफ्यूज हो जाए कि हाँ यही तो आदमी है, हाँ इतना सब जो बोल रहा है। बस ऐसे कंफ्यूज लपेट लुपुट करके धर के ऐसे बोट फिर खींच लेंगे 24 में। और फिर जो है ये है शेर जो है। बाकी ये लोग फालतू लोग अपना ये चिल्लाते रहे कि अरे भाई कब आएगा कब आएगा, बोल नहीं रहे हैं, वो डर गए हैं। बताइए हमारे शेर को बोल रहे थे, डर गए हैं। और जब शेर बोलने लगा तो फिर यही लोग अपोजिशन वाले धीमे धीमे एक एक करके पतली गली से निकलना शुरू किए। भाई आखिरकार 2 सवा 2 घंटे तक कितना मतलब कौन आदमी झेलेगा? और ये लोगों को पता भी नहीं होगा, तो ये लोग गुरु सिरदर्द की गोली वोली भी साथ में लेके नहीं आए थे। हमारे शेर ने जो है इनका जो है सिरदर्द दर्द ऐसा पका दिया कि गुरु ये लोग संसद से उठ उठ कर फिर भागने लगे। ये होता है शेर का कमाल। अब शेर हमारा छा गया है। अब हम सब लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, और हमारे साथ जितने गोदी मीडिया के देशभक्त लोग हैं, इन सब लोगों को देखो टीवी पे चालू हो गए है ना, कि देखो शेर आया और क्या भाषण दिया, अब उनको राहुल गांधी को परास्त कर दिया, और यही है और 24 में जीते। हमारे देखो शेर का एक ही लक्ष्य है, और शेर के जितने ये टिल्लू पिल्लू कह रहे हम, ये तो भी बच्ची लोग बोलते हैं। मतलब गोदी मीडिया जो है इनका भी एक ही लक्ष्य है ना, और बाकी लोगों को तो लच्छा ही है कि कैसे भी करके सब ये बताओ कि यही शेर है ना, यही जो है एकदम जो है कहाँ से कहाँ ले जाएगा, टांग देगा, इसी को जिताओ इसी को जिताओ, इसी की इमेज झाड़ पोंछ करके हम सब लोग मिल करके तब इमेज चमकाते हैं, तब चमकती है।
तब जो है ये इंडिया घमंडिया, देखा इंडिया का जो है इस तरीके से दुष्प्रचार, उस तरीके से मतलब निम्न स्तर में किसी और ने आज तक किया हो तो बताओ, है इंडिया नाम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया हो। हमारे शेर ने बोला घमंडिया, है इंडिया को घमंडिया, ये तो अच्छा हुआ इंडिया नाम रखा। मान लो लोग ऐसा कुछ भारत रख लेते तो भी हमारा शेर भारत का कुछ तोड़ निकाल लेता, भारत का कुछ बना देता उल्टा सीधा, समझे, या हिंदुस्तान रख लेते ये लोग तो हिंदुस्तान का कुछ ना कुछ हमारा शेर रख लेता। हिंदुस्तान को बदनाम, बदनाम मतलब विपक्षी को बदनाम करना है, अब उसमें चाहे इंडिया बदनाम हो जाए तो भाई हमारा शेर क्या करेगा। हमारे शेर का मकसद है खाली सत्ता, सत्ता पाना हमारा शेर, तो हमारा शेर उसमें लगा हुआ है। ये फालतू के अपोजिशन के लोग चिल्लाते चिल्लाते रहो, आज गुरु हमारे शेर ने संसद के अंदर प्रूव कर दिया है। हाँ, शेर शेर होता है।